हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जस्ट क्लोज। सो आई वुड लाइक टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ माय सेल्फ। दैट इज आई एम एन एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएल यूजीसी नेट। एंड मेरा ये टारगेट है कि दिस विल बी माय फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड दिस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जून 2023 का जिसका फॉर्म निकल चुका है अभी, तो उसको उसका टारगेट मैंने रखा है, उसको क्वालिफाई करना है विद JRF। सो या तो टुडे इज 22nd ऑफ मार्च। मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रही हूँ। दैट इज आफ्टर स्लेट एग्ज़ाम। मैंने स्लेट एग्ज़ाम दिया था, सो आज मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई क्योंकि आज मुझे बाज़ार जाना पड़ा। सो बाज़ार जाने के बाद बहुत टायर्ड फील हुआ, सो गई थी। तो आज मैंने सिर्फ 6 आवर्स ही पढ़ा था। इस तरह से मैं टाइमर लगा लेती हूँ खुद को एनालिस करने के लिए कि मैंने कितना पढ़ा है और उसको कितना इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरत है। इसलिए मैं इस तरह से टाइमर लगा लेती हूँ जब पढ़ती हूँ। एंड या मैं अभी एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रही हूँ, सॉल्व नहीं बोलूँगी, एनालिस कर रही हूँ, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ भी क्वेश्चन पेपर ले लो, तो मैंने WB सेट का, वेस्ट बंगाल का, उसका भी तो कर रही हूँ। सो मैं 6 आवर्स 12 मिनट तक मैं आज पढ़ा, फिर सो गई मैं। एंड मैंने कितना आवर्स सोया उसका भी टाइमर लगा लिया, तो 6 आवर्स मैंने सोया। एंड इसलिए लगाया क्योंकि वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट हो जाता है मेरे लिए 6 आवर्स सोना। तो नेक्स्ट डे दैट इज 23rd ऑफ मार्च में 7 AM तक उठ गई थी, 15 मिनट बिफोर उठ गई थी। इसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। पढ़ाई के बीच में मैं स्टडी ब्रेक में वॉक करना पसंद करती हूँ इस तरह से। देन मैंने खाना बनाया, हम रूम पर रहते हैं तो खाना पूरी बनाती हूँ मैं। आज था फिश, देन कुछ आलू फ्राई एंड दाल था। फिर थोड़ा क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व किया। इसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ के पढ़ रही थी। आज कुछ टारगेट्स था। मैं अभी इकोलॉजी एंड सेल्स साइमल्टेनियसली दो यूनिट्स को एक साथ कर रही हूँ। तो एक्चुअली दो यूनिट करने का कारण ये है कि मैं बहुत एक यूनिट करने से बहुत बोर हो जाती हूँ या फिर बोर लगता है, तो देन मैं नेक्स्ट सेकेंड यूनिट को पढ़ने स्टार्ट कर लेती हूँ। तो पहले मैंने सेल से स्टार्ट किया था दिन को, फिर मैंने इकोलॉजी को इकोलॉजी पढ़ने लग गई। एंड स्टडी के ब्रेक में मैंने आज स्ट्रेचिंग भी किया, दैट इज लाइट एक्सरसाइज होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है। मैं इस तरह से मैं एक कॉपी रखती हूँ खुद के पास, टारगेट्स वहाँ पे लिखती हूँ। फिर सिस्टर आई थी तो समोसा एक